नमस्कार स्टूडेंट, आज फिर से आपके लिए अखबार ने कुछ हमदर्दी दिखाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कुछ आपको दिख रहा है? यूपी बोर्ड 220 केंद्रों पर जनपदीय समिति की मुहर। पूरी बात का आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, और इस जानकारी को सुनने के बाद आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहिए, उसका भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और अगर अंदाज़ा लगाने में आप असमर्थ हैं तो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि आपको करना क्या है और करना क्या चाहिए। लेकिन पहले हम अखबार की बात कर लेते हैं। आज कितना तारीख है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के दिन का ये पेपर है, गोरखपुर संस्करण में है। हो सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसी अन्य संस्करण में ये बातें कल छप जाएँ या कल छप चुका हो पहले, लेकिन मेरे पास जब आएगा तो मैं ज़रूर बताता हूँ। बात बड़ी हो चाहे बात छोटी हो, मैं सोचता हूँ कि मेरे जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, यूपी बोर्ड में 100% में से मेरे 80% छात्र गांव के हैं, मध्यम परिवार से हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, या मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे फैमिली में अखबार डेली जाता नहीं है, और अखबार से उनकी दूरी बन जाती है, जानकारी के अभाव में उनका कभी कभी लॉस हो जाता है। तो इस वजह से मैं अखबार वाला न्यूज़ आपको बताता हूँ। किसी को बुरा भी लगता होगा, कमेंट में मैंने देखा कि आप लोगों में से कई लोग कह रहे हैं समाकलन की वीडियो लाओ। समाकलन की वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्दी 10 दिन के अंदर, उम्मीद है 10 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। एक ही वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरा समाकलन मैंने ठूस दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक वीडियो में मैं पूरा समाकलन पढ़ा दूँ, तो इंतज़ार कर लो, चला 10 दिन मैक्सिमम टाइम दे दो, मैं पूरा करता हूँ, ठीक है। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, अखबार क्या कहता है और आपको क्या सुनना है। मानक न पूरा होने पर अनंतिम सूची से हटाए गए 29 स्कूल। मतलब इस बात से आपको ये अंदाज़ा लगना चाहिए कि जिन विद्यालयों का मानक पूरा नहीं है, मानक का मतलब हुआ कि उसमें दो दरवाजे नहीं हैं, प्रॉपर खिड़कियाँ नहीं हैं, पंखे लगे नहीं हैं, और बाउंड्री वॉल नहीं है, CCTV नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, जनरेटर नहीं है, बच्चों को बैठकर एग्ज़ाम देने के लिए कुर्सी मेज यानी डेस्क ब्रेंच की उचित व्यवस्था नहीं है, वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, तो ऐसे स्कूल अपने मानक को पूरा नहीं करते हैं। और ऐसे स्कूल को परीक्षा केंद्र इस बार नहीं बनाया गया है। पिछले साल जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, अगर उनकी मशीनरी में कोई खराबी आ गई, वे उसको ठीक नहीं कराए, तो इस बार जांच जब हो रहा है तो जिनका विद्यालय में कोई कमी पा रही है सरकार, उसको सेंटर नहीं बनाया जा रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पिछला एग्ज़ाम सेंटर इस बार भी एग्ज़ाम सेंटर बने, ठीक है। देखिए गांव के माहौल है, गांव के माहौल में कुत्तों का आवाज़ चाहे जब चाहे जहां पहुंच जाता है। इसे न आप रोक पाएंगे न मैं रोक पाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। समिति ने अंतिम सूची में जहाँ से पिछले साल केंद्र बने 27 स्कूलों को फिर से केंद्र बना दिया, वहीं संसाधनों की उपलब्धता न होने तथा केंद्र बनने का मानक न पूरा होने के कारण 29 स्कूलों को सूची से बाहर कर दिया है। परिषद ने 11 दिसंबर को 222 परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की थी, और जिसके बाद DIOS ने प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों से 14 दिसंबर तक आपत्ति मांगी थी। अंतिम तिथि तक विभाग को कुल 127 आपत्तियाँ प्राप्त हुई। इनमें से 51 आपत्तियाँ तथा केंद्र बनाने को लेकर थी, जबकि 20 आपत्तियाँ संसाधनों का टोटा बताकर परीक्षा कराने में असमर्थता को लेकर थी। मतलब कुल मिला जुला कर के ये परीक्षा केंद्र से संबंधित आज की वीडियो है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाना चाहते हो, अच्छे अंकों के साथ पास होना चाहते हो, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करो। डेली अगर आपके पास 3 घंटे का टाइम है तो मेरा फुल कोर्स वाला वीडियो ले लीजिए। इसमें आपको पहला चैप्टर से आखिरी चैप्टर के हर सवाल की वीडियो मिलेगी, और आप उसको पढ़ करके अच्छी तैयारी कर पाएंगे। भले आप कहीं कोचिंग ना किए हों या पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर हों, तो भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पढ़ाई गारंटी के साथ मैथ आपको समझ में आएगा और आप अच्छे नंबर से पास होंगे। दूसरी चीज़, अगर किसी को सिर्फ पास होने वाला कोर्स चाहिए, पासिंग मार्क, तो वो मेरा 95 वीडियो वाला कोर्स ले लें, सिर्फ 200 रुपये फीस है। 95 वीडियो देख करके आप 65-70 नंबर के आसपास आराम से पा सकते हैं, लेकिन उसको देखेंगे, समझेंगे, कॉपी में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ले करके रख दिए, नहीं देखे, डिलीट हो गया, घूमने लगे, तो भाई कोई गारंटी नहीं है। तुम ले के पढ़ो, दोहराओ, पूरी गारंटी बनेगी कि आप ज़रूर पास होंगे अच्छे नंबर से। तो नंबर जो आपको दिख रहा है बहुत पहले से,
उसी पे कॉल करना है और कोर्स लेकर पढ़ना है।